गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन, कम टू द एक्सरसाइज 53। एक्सरसाइज 53 पढ़ेंगे आज हम। एक्सरसाइज 53 में भी हमें फ्रैक्शन को मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई करने का मतलब रिड्यूस करना ही होगा। इसको हम रिड्यूस करेंगे। रिड्यूस का नियम आपको बताइए रूल के क्या होगा, या तो ऊपर नीचे वाली डिजिट रिड्यूस होती है पूरी ऐसे वाली, ये दोनों या ये दोनों, या फिर जो ऐसे क्रॉस में होती है उनको रिड्यूस किया जाता है। ठीक है, अब इसमें से हम सबसे पहले देख लेते हैं कौन से ऐसे दो नंबर हैं जो एक ही टेबल में आते हैं। सबसे पहले हम करेंगे 24 और 18 को। 24 और 18 3 की टेबल में भी आता है, 6 की टेबल में भी आता है ना। तो हम इसको पहले 6 की टेबल से रिड्यूस कर लेते हैं। 6 की टेबल में 18 आता है 3 टाइम्स, 6 3 18, और 6 की टेबल में 24 आता है 4 टाइम, 6 4 24। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप 31/45 इंटू 60/62 मल्टीप्लाई बाई 4/3। अब क्या रिड्यूस होगा? अब देखो, ऐसे तो बहुत सारे नंबर रिड्यूस हो रहे हैं। चाहे तो हम इसको और इसको 2 से कर सकते हैं ना, और चाहे तो इसको और इसको हम 3 से कर सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, पहले इन दोनों को 3 से कर लेते हैं, क्योंकि 3 की टेबल में 3 और 6 इजीली आ जाता है ना। तो 3 की टेबल में 3 आता है 1 टाइम, और 6 3 2 6 आता है। लास्ट का 0 साथ में आ जाएगा, यानी कि कितनी बार रिड्यूस हो रहा है, 20 टाइम। ये 0 सिर्फ लास्ट का है इसलिए आया साथ में, अगर बीच में कहीं हुआ तो ऐसे रिड्यूस नहीं होगा वो। ठीक है, तो ये हो गया 3 से रिड्यूस। वापस नेक्स्ट स्टेप 31/45 मल्टीप्लाई बाय, ऊपर बचा 20/62 मल्टीप्लाई बाय 4/1। अब क्या करेंगे, अब 45 और 20 दोनों 5 की टेबल में आता है। ठीक है, तो 45 और 20 दोनों को हम 5 से रिड्यूस कर लेंगे। 5 9 45 5 4 20। नेक्स्ट इधर बचेगा 31/9, इधर बचेगा 4/62, और इधर बचेगा 4/1। अब क्या रिड्यूस हो रहा है? अब तो 31 और 62 रिड्यूस होंगे सिर्फ। 31 की टेबल में 31 वन टाइम आता है, 31 की टेबल में 62 टू टाइम आता है ना। 31 टू सा कितना होता है, 62। तो हम इन दोनों को 31 की टेबल से रिड्यूस कर लेंगे। 31 1 31 31 2 62। नेक्स्ट स्टेप उतारो, 1/9 मल्टीप्लाई बाय 4/2 मल्टीप्लाई बाय 4/1। अभी वो रिड्यूस हो सकता है, ये इसको करेंगे 2 और 4 को, तो 2 1 2 2 2 4। अब वापस नेक्स्ट स्टेप 1/9 2/1 मल्टीप्लाई बाय 4/1। अब रिड्यूस नहीं हो रहा है तो अब हम मल्टीप्लाई कर लेंगे। 2 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 4 8, 9 1 9। ठीक है, तो इस तरह से इसको रिड्यूस करने पर आंसर क्या आएगा हमारे पास, फाइनली 8/9। क्वेश्चन नंबर 3, 38/76 मल्टीप्लाई बाय 340/170, 88/99 और 36/40। इसको हम रिड्यूस करेंगे। अब तो सबसे पहले हम करेंगे 88 और 99 को। हमें पता है कि 11 की टेबल में 88 भी आता है और 99 भी आता है। ठीक है, 11 8 88, 11 9 99। इसको नेक्स्ट स्टेप में लिखेंगे, 38/76 मल्टीप्लाई 340/170 मल्टीप्लाई 88/9 मल्टीप्लाई 36/40। ठीक है, अब क्या करेंगे हम, देखो 9 और 36 दोनों 9 की टेबल में आते हैं। 9 से इसको रिड्यूस कर लेंगे, 9 1 9, 9 4 36। ठीक, नेक्स्ट स्टेप 38/76 मल्टीप्लाई बाय 340/170 मल्टीप्लाई बाय 8/1 मल्टीप्लाई बाय 4/40। ठीक है, अब हमें दिख रहा है कि 8 और 40 भी रिड्यूस हो सकता है, क्योंकि 8 की टेबल में 40 भी आता है, और 4 और 40 भी हम रिड्यूस कर सकते हैं। तो हम चाहे जिसको रिड्यूस कर सकते हैं, मैं 4 और 40 को कर देती हूँ। 4 1 4 4 10 40। अब नेक्स्ट स्टेप में उतारेंगे इसको, 38/76 मल्टीप्लाई बाय 340/170 मल्टीप्लाई बाय 8/1 मल्टीप्लाई बाय 1/10। ठीक, अब क्या रिड्यूस होगा? अब वापस से 8 और 10 फिर 2 की टेबल में आते हैं। 2 की टेबल से इसको रिड्यूस करेंगे, 2 4 8, 2 5
वापस से नेक्स्ट स्टेप में उतारेंगे, 38/76 मल्टीप्लाई बाय 340/170 मल्टीप्लाई बाय 4/1 मल्टीप्लाई बाय 1/5। अब हम रिड्यूस करेंगे। अब देखो लास्ट में अगर जीरो होती है ना तो जीरो से जीरो कट हो जाता है, जीरो से जीरो कट। तो अब यहाँ बचेगा 34 और यहाँ बचेगा 17। उतारो नीचे, 38/76 मल्टीप्लाई बाय 34/17 मल्टीप्लाई बाय 4/1 मल्टीप्लाई बाय 1/5। अब इधर रिड्यूस हो रहा है, ये दोनों इधर, ये दोनों रिड्यूस हो जाएंगे, 17 एंड 34। 17 और 34 दोनों 17 की टेबल में आते हैं। 17 वन ज़ा 17, 17 टू ज़ा 34। 38/76 मल्टीप्लाई बाय 2/1 मल्टीप्लाई बाय 4/1 मल्टीप्लाई बाय 1/5। अब रिड्यूस करना हमें 38 और 76। 30 और 76 दोनों जो है किसकी टेबल में आएंगे, अब सीधे 19 की टेबल में। हम चाहें तो इसको 2 से भी रिड्यूस कर सकते हैं क्योंकि दोनों इवन नंबर है, तो हम इसको या तो 2 से रिड्यूस कर लें या सीधे 19 की टेबल से रिड्यूस कर लें। ठीक है, मैं 19 से इसको रिड्यूस कर देती हूँ, 19 टू ज़ा 38, 19 फोर ज़ा 76। तो ये हो जाएगा 2/4, 2/4 मल्टीप्लाई बाय 2/1 मल्टीप्लाई बाय 4/1 एंड 1/5। अब 4 से 4 कट, 4 की टेबल में 4 वन टाइम, 4 की टेबल में 4 वन टाइम। वापस से लिखो इसको, 2/1 मल्टीप्लाई बाय 2/1 मल्टीप्लाई बाय 1/1 मल्टीप्लाई बाय 1/5। अब इनको मल्टीप्लाई कर लेंगे, 2 टू ज़ा 4, 5 वन ज़ा 5, 2 टू ज़ा 4, 4 का 1 से कितनी बार भी मल्टीप्लाई करो 4 ही आएगा। 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1, फिर 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1, 1 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 आएगा।